फिट टेक। दोस्तों आज मैं क्या हमारी आज की टेक और इलेक्ट्रॉनिक्स अपडेट्स को लेके दोस्तों काफी अच्छे अपडेट्स लेके आया हूं। आप बताऊं सबसे पहले इंस्टाग्राम के अंदर आप जो रील्स वगैरह बनाते हो उनका टाइमिंग बढ़ चुका है, 90 सेकंड्स के बाद बना पाओगे। दोस्तों ये काफी अच्छा अपडेट है, मतलब आपकी रील जो है वो 1 मिनट एंड 30 सेकंड तक की मैक्सिमम आप बना सकते हो, काफी अच्छी बात है। मतलब अब मैं शॉर्ट्स वगैरह बनाऊंगा रील उसके ऊपर इंस्टाग्राम के ऊपर थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और थोड़े ज्यादा फैक्ट्स आपको पता चल पाएंगे। वैसे दोस्तों इसी के साथ में उन्होंने अलाउ कर दिया है किसी भी वीडियो से इंपोर्ट कर सकते हैं हम उसकी ऑडियो को। दोस्तों ये भी सही एक फीचर आ जाएगा, किसी भी कैमरा रोल पे आप अपना उसको ऑडियो को इंपोर्ट कर पाओगे किसी भी वीडियो से। दोस्तों ये भी काफी सही फीचर है। और इसी के साथ में आप अपने रील के अंदर अब पोल, क्विज या फिर इमोजीज, स्लाइडर्स वगैरह को भी ऐड कर पाओगे। दोस्तों ये भी बहुत सही है, अभी तक हम स्टोरीज वगैरह में ऐसा कर पाते थे लेकिन अब रील्स के अंदर भी आ जाएगा तो बहुत सही हो जाएगा। और दोस्तों ये अगला अपडेट निकल के आ रहा है Xiaomi India की तरफ से। दोस्तों Xiaomi India के लिए थोड़ी सी बुरी खबर भी है। बेसिकली मनु कुमार जैन जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं Xiaomi के अंडर में, दोस्तों उन्होंने Xiaomi India को क्विट कर दिया है क्योंकि अब वो बन चुके हैं इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के हेड, जो कि ग्लोबली होगा बेसिकली। तो इंडिया में नहीं रहेंगे अब वो, इंडिया के हेड नहीं रहे, पर इंडिया में दोस्तों अब उनकी जगह पे, क्योंकि बहुत बड़ी पोस्ट पे थे तो उनकी जगह को फिल करने के लिए 3-4 लोगों को उन्होंने Xiaomi ने एडजस्ट किया है। तो सबसे पहले जनरल मैनेजर जो है एलविन, ये इंडोनेशिया के जनरल मैनेजर थे अभी तक, लेकिन अब ये Xiaomi India के जनरल मैनेजर हो जाएंगे। इसी के साथ में उन्होंने अनुज शर्मा जो कि पोको के हेड थे उनको एज अ चीफ ऑफिसर रखेंगे इंडिया में Xiaomi India के। तो दोस्तों एक पर्सन जो बड़ी पोजीशन से था उसको गया और उसको कोई और पोजीशन दे दी और बाकी छोटी छोटी पोजीशन निकाल दी है ताकि वैसे काम को हैंडल किया जा सके। वैसे दोस्तों आपके हिसाब से बताइए आपको क्या लगता है। मेरे हिसाब से मनु कुमार जैन जी ने बहुत सही काम किया है, Xiaomi जो है उसको बहुत बढ़िया एक लेवल मिल चुका है, काफी अच्छा काम किया इंडिया के अंदर उन्होंने। देखते हैं ये कैसे कंपनी को संभाल पाते हैं या नहीं संभाल पाते हैं। और दोस्तों ये पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि पोको का कौन हेड होएगा, देखते हैं कौन निकल के आता है अब, क्योंकि पोको का भी कोई ना कोई हेड चाहिए, देखते हैं। और दोस्तों जियो सावन कौन कौन लोग यूज करते हैं, वैसे मेरे को लगता है आईफोन यूजर ज्यादा यूज करते हैं, बताइए जरूर कमेंट्स में। वैसे आपको बता दूं जियो सावन जो है वो डाउन था उनका सर्वर आज, तो इस आउटेज की वजह से बहुत सारे यूजर जो चलाते हैं उनको दिक्कत हुई। बहुत से लोग मैंने देखे हैं कि कार में जियो सेवन से अटैच करके अपना गाने चलाते रहते हैं तो ऑटो प्लेलिस्ट वगैरह होती रहती है, ऑनलाइन चलते रहते हैं, तो आज उनके लिए बहुत दिक्कत हुई होगी जो अपने फोन में गाने नहीं रखते, जियो सेवन से डायरेक्ट चलाते हैं। वैसे दोस्तों गूगल की बात करते हैं, गूगल पिक्सल 7 प्रो इसके कुछ प्रोटोटाइप सामने निकल के आए हैं और इससे पता चलता है कि जो इसकी डिस्प्ले है वो जो 6 सीरीज की थी वैसी ही रहेगी, सेम टेंसर 2 चिप आने वाली है और इसके अंदर 12 जीबी 256 जीबी का मॉडल होने वाला है मैक्सिमम होगा शायद। और दोस्तों यहां पर मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, देख सकते हो जिसमें थोड़ी सी चीजें लिखी हुई है, थोड़ी सी डिवाइस इन्फो जिसमें आप देख सकते हो जो डिवाइस है बेसिकली वो लिखा हुआ है चीता और यहां पर मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ है गूगल, तो देखते हैं क्या निकल के आते हैं चीता क्या है देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों Realme GT Neo T3 जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाला है, ग्लोबली भी लॉन्च होने वाला है 7 जून को। दोस्तों इसकी इमेज सब निकल के आ चुकी है, वैसे तो 2-3 दिन पहले से निकल के आ चुकी है। यहां पर जो इसका डिजाइन है वो बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक रेस होती है उसमें विन करते हो तो वहां पर जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर का फ्लैग होता है बिल्कुल वैसा ही डिजाइन बनाया गया है। और दोस्तों यहां पर ये बता दूं Realme का Q5 Pro जो चाइना में लॉन्च हुआ था उसका रीब्रांड वर्जन होगा ये, देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे दोस्तों फोन जबरदस्त होने वाला है, आपको क्या लगता है इसके बारे में कि कितना प्राइस आ सकता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों सैमसंग की तरफ से काफी अच्छा अपडेट निकल के आ रहा है, सैमसंग जो है दोस्तों वो डेवलप करने वाला है पहला 5G कमर्शियल नेटवर्क। अब दोस्तों ये टेस्टिंग बेस पे होगा जो कि क्लाउड बेस बनाया जाएगा स्पेशली ऑटोनोमस रोबोट्स के लिए, यानी कि रोबोट्स वगैरह को ऊपर टेस्ट किया जाएगा, क्लाउड बेस्ड सर्विस होगी 5G कमर्शियल नेटवर्क के ऊपर। देखते हैं क्या निकल के आता है, सारी डिटेल्स निकल के आएंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये पहला प्राइवेट 5G कमर्शियल नेटवर्क होगा, जबरदस्त है दोस्तों। और दोस्तों 5G की बात कर रहा हूं तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट निकल के आया है, अब दोस्तों 5G जो है उसका कुछ डिवाइसेस 5G डिवाइसेस या टेक्नोलॉजी को रोल आउट करना शुरू करेगी हमारी गवर्नमेंट, शायद अगस्त के बाद में ये रोल आउट होना शुरू हो जाए, देखते हैं दोस्तों। वैसे जबरदस्त है हमारे पास 5G टेक्नोलॉजी निकल के आएगी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और दोस्तों इसके साथ में अगला अपडेट बता दूं BSNL की तरफ से अपडेट निकल के आ गया कि BSNL जो उन्होंने काम शुरू कर दिया अपने 5G के ऊपर। वैसे हम जानते हैं दोस्तों यहां पर 4G भी लॉन्च नहीं हुआ लेकिन 5G आने वाला है, अभी उन्होंने कहा है कि 2023 तक आएगा, मतलब हो सकता है 2023 के लास्ट तक आ जाए पर BSNL का 5G जल्दी आ जाएगा रेदर देन कंपेयर टू 4G। वैसे दोस्तों यहां पर बता दूं व्हाट्सएप जो है नया फीचर लेके आने वाला है जहां पर अनरीड चैट्स का फिल्टर आ जाएगा, यानी कि एक फिल्टर का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप अपनी अनरीड चैट्स को सर्च कर पाओगे। और जैसे कई बार होता है कि हमने चैट खोली नहीं है और बहुत सारे लोगों के चैट्स पड़ी हुई है और वो जो अनरीड मैसेज है वो नीचे चले गए और हमने ध्यान नहीं दिया,
तो आप चेक कर पाओगे चैट फिल्टर का लगा के। और इसी के साथ में जो विंडो यूजर्स हैं उनके लिए वन व्यू जो सिंगल टाइम व्यू वाला ऑप्शन है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, इसे भी स्पॉट कर लिया गया है। दोस्तों काफी अच्छी बात है। वैसे पोल रिजल्ट्स वगैरह भी आने वाले, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पोल भी आएगा इसके अंदर, जिसमें आप दो चार ऑप्शन देके किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हो जैसे ग्रुप वगैरह में। तो काफी अच्छा है दोस्तों, काफी सारे फीचर्स आ रहे हैं, वेट कीजिए बहुत जल्दी आने वाले। और दोस्तों Xiaomi 12 Ultra जो होने वाला है इसके अंदर लाइका का स्पेशल रेड कलर का आइकॉनिक दोस्तों लोगो होने वाला है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर निकल गया सामने। वैसे इसका जो बैक होगा वो लेदर सिरेमिक ब्लैक पैनल होने वाला है। दोस्तों जबरदस्त होगा, देखते हैं फोन का कैमरा कहा जा रहा है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। दोस्तों वैसे यहाँ पे कैमरा की बात कर रहा हूं तो आपको बता दूं एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है कि अगले आने वाले कुछ एक दो सालों के अंदर आपके जो फोन के स्मार्टफोन के कैमरास होंगे ना वो हमारे DSLR वगैरह होंगे उनसे भी ज्यादा जबरदस्त होने वाले हैं। तो मतलब DSLR या बड़ी कैमरा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फोन के कैमरा इतना जबरदस्त हो जाएगा। दोस्तों काफी अच्छी बात है, लोगों को ऑल इन वन चीजें मिलने लग जाएंगी। पर दोस्तों यहां पर एक चीज और है, मैंने आपको ये बताया था कि फोन जो है वो धीरे धीरे करके टर्म ही खत्म हो जाएगी, हम लोग स्मार्टफोन वगैरह लेंगे ही नहीं, हमारे पास और तरह के गैजेट्स आ जाएंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है फोन में इतने बड़े कैमरे लगाने का कोई फायदा है, बताइए जरूर कमेंट्स में। वैसे दोस्तों कंफर्म हो चुका है ओप्पो की तरफ से उनका K10 5G आने वाला है इंडिया में 8th of June को। इसी के साथ मैं बता दूं OnePlus एक फोन लेके आने वाला है जो कि हो सकता है ओप्पो का A57 उसका रीब्रांडेड वर्जन हो। दोस्तों वो फोन जो आएगा 5000 mAh की बैटरी साथ में आएगा, 33 वॉट का फास्ट चार्जर होगा और शायद MediaTek Helio कोई प्रोसेसर होने वाला है। अब दोस्तों यहां पे आप बताइएगा कि OnePlus कहां जा रहा है, आपको क्या लगता है OnePlus जो अपनी वैल्यू खुद ही डाउन कर रहा है, रीब्रांडिंग शुरू कर दी है। दोस्तों चाइना के अंदर सिर्फ एक ऐसी कंपनी है जो कि ग्लोबली भी चलती है और वो है OnePlus, जो रीब्रांडिंग नहीं करती थी, उसका खुद का अपना डिवाइसेस बनाती थी। अब ये कंपनी जो है रीब्रांड के ऊपर विश्वास करने लग गई है और अपनी वैल्यू खुद ही डाउन कर रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में, बताइए जरूर कमेंट्स में। वैसे दोस्तों साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट निकल के आई है गूगल की तरफ से, मेटा की तरफ से या कुछ बड़े टेक कंपनीज की तरफ से। दोस्तों उन्होंने एक वार्निंग जारी की है, बेसिकली उन्होंने कहा है कि इंडिया के अंदर साइबर सिक्योरिटी का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा खतरे भरा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट का जो ये नया रूल आया जिसमें जिसकी वजह से VPN कंपनियां जो है इंडिया को छोड़ के जा रही हैं। अब दोस्तों बेसिकली VPN का काम मैंने आपको पहले बताया था, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, यानी कि एक आपको ऐसा प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड करती है जिसमें आपकी सिक्योरिटी आपकी चीजों की कोई आपको एक्सेस ना कर पाए, बेसिकली आपकी चीजों को ऐसा एक नेटवर्क बनाया जाता है। और अगर वैसा नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं होगा इंडिया में तो कैसे काम चलेगा, उनके हिसाब से ये गलत चीज हुई है। बाकी दोस्तों यहाँ पे इंडिया की तरफ से एक अपडेट निकल के आया है, इंडिया एक स्पेशल अपना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाने वाला है, या हो सकता है VPN की जगह कुछ वर्चुअल आप नेटवर्क कह सकते हो, प्राइवेट तो नहीं कहूंगा, वर्चुअल नेटवर्क होगा जिसमें थोड़ी बहुत सिक्योरिटी होगी। अब देखते हैं एज कम्पेयर टू VPN कितना पावरफुल होता है, क्योंकि VPN में दोस्तों हमारी पूरी सिक्योरिटी होती है। और VPN कंपनी की बात करूं तो बहुत सारी VPN कंपनी जो है वो इंडिया को छोड़ के ऑलरेडी जा चुकी है, कल से शुरू हो गया, एक्सप्रेस गई है, नॉर्ड भी चली गई है और भी दो तीन चली गई है, और भी चली जाएंगी और सारी छोड़ के चली जाएंगी। देखते हैं क्या निकल के आता है, साइबर सिक्योरिटी उन्होंने कहा कि काफी खतरा है, बाकी इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर रही है इसके बारे में देखते हैं। वैसे दोस्तों गूगल की बात करते हैं, गूगल के अंदर दोस्तों जो गूगल का क्रोम OS आता है उसके हेल्प से आप डायरेक्टली अपने गूगल फोटोज को एक्सेस कर पाओगे, तो काफी अच्छी बात है। यहाँ पे इसी के साथ बता दूं अब जो गूगल पे है उसके अंदर इंग्लिश जो हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके हाइब्रिड वर्जन बना रखा है हम लोगों ने, वो आने वाला है, ये रोल आउट होना शुरू होगा iOS और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए बहुत जल्दी। वैसे दोस्तों रोल आउट होना शुरू हो ही चुका है, तो आपके पास अगर नहीं आया तो अपडेट कर लीजिए, आपको आ जाएगा और उसमें जो है आपके नए वर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे, जैसे न्यू पेमेंट की जगह नया पेमेंट ऐसा कुछ जो इंग्लिश में लिखा आएगा NAY नया देखते क्या निकल के आता है। वैसे दोस्तों काफी जबरदस्त टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बता दूं, आज दोस्तों एक रिसर्च वगैरह हुई है UK साइड में जहां पर हमारे इंडियन साइंटिस्ट भी अवेलेबल है, उन्होंने भी साथ में मिलकर रिसर्च की है, काफी अच्छी बात है। अब दोस्तों यहाँ रिसर्च ये हुई है कि ऐसी स्किन बनाई जा रही है एक स्पेशल स्किन रोबोट्स के लिए जिसके ऊपर टच करने से उनको मारने से उनको पेन होगा। अब दोस्तों ये कमाल की चीज है, मतलब रोबोट के ऊपर एक ऐसी स्किन लगाई जाएगी जिसपे अगर उनको मारेंगे तो उनको भी पेन होगा। दोस्तों ये प्रोसेसर जो है इसका सारा का सारा खेल होगा, वो बेसिकली क्या करेगा उस पार्ट के ऊपर ऐसा महसूस करवाएगा रोबोट को। अब दोस्तों इसका मतलब यह है कि रोबोट के अंदर फीलिंग डालने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है कितना सही और कितना गलत है, मेरे हिसाब से मानो तो ये गलत चीज भी है, क्योंकि रोबोट एक मशीन है और उसके अंदर हमें फीलिंग्स नहीं डालनी चाहिए। पर आपको क्या लगता है दोस्तों बताइए जरूर, और पर अब ये आ रही है और बहुत जल्दी ये यूज में लिया जाएगा, ऐसे रोबोट्स आएंगे जिनको मारने पर उनको पेन होगा। वैसे
कितना खतरनाक हो सकता है बताइए जरूर। वैसे दोस्तों एक अपडेट निकल के आ रहा है, मैं काफी दिन से आपको पहले बता रखा था वन प्लस की तरफ से वन प्लस 10 अल्ट्रा आने वाला है। आज दोस्तों ऐसी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है शायद वन प्लस 10 अल्ट्रा नाम का कोई फोन हो ही ना, वन प्लस 10 T5G आ जाए उसकी जगह पे। दोस्तों इसका मतलब यह है कि फ्लैगशिप में चेंजेस हो रहे हैं, नाम शायद बदल दिया जाएगा, फोन वैसे ही रहेगा, बहुत जबरदस्त होने वाला है, लेकिन अल्ट्रा के बजाय 10T5G देखते हैं। और दोस्तों एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने निकल के आई है नथिंग की तरफ से, मतलब बोलने वाला था नथिंग की तरफ से दोस्तों, नथिंग जो फोन बनाने वाला है उसके बारे में डिटेल निकल के आई है कि इंडिया में या अफ्रीका साइड में कहीं ना कहीं और भी दो तीन जगह है जहां पर इसकी टेस्टिंग प्राइवेट टेस्टिंग वगैरह शुरू हो चुकी है। दोस्तों इसका मतलब फोन वगैरह बनकर तैयार हो चुका है, देखते क्या निकल के आता है। वैसे दोस्तों काफी जबरदस्त फोन होने वाला है, आप बता दूं 7th Gen 1 के ऊपर होने वाला फोन है, ट्रांसपेरेंट तो होने वाला है, लेकिन ट्रांसपेरेंट का मतलब आप ये मतलब समझिए कि आपको अंदर से वो नजर आएगा कि इसका प्रोसेसर कहाँ लगा है, इसका वो कहाँ लगा है, चीजें सर्किट कैसा लगा हुआ, ऐसा नहीं है। ट्रांसपेरेंट है अंदर से, उसको डिजाइनिंग करेंगे उनके ऊपर, कुछ अलग तरीके की डिजाइनिंग करेंगे ताकि आपको दिखने में अच्छा लगे। मतलब ट्रांसपेरेंट जरूर होगा लेकिन अंदर उसके कुछ अलग डिजाइन होंगे, आपको सिर्फ फील होगा या पता चलेगा कि यहां पर बैटरी है, यहां पर ऐसी चीज लगी हुई, सर्किट लगे हुए हैं या जो भी चीज है, तो ऐसा डायरेक्टली साफ नजर नहीं आएगा। और दोस्तों यहां पर आपको बता दूं इसमें जो कैमरा होंगे डुअल कैमरा ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, और फ्रंट में जो है 16 MP तक का आ सकता है। जो डिस्प्ले है दोस्तों वो फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है, देखते हैं क्या निकल के आता है, बाकी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा ही करेगा, देखते हैं। और दोस्तों अब बारी होती है ऑटो न्यूज की, और ऑटो न्यूज में सबसे पहला और सबसे अच्छा अपडेट निकल के आ रहा है जैगुआर की तरफ से। दोस्तों जैगुआर की एफ पेस SVR आती है, स्टैंडर्ड मॉडल आता है कुछ 1.51 करोड़ रुपीज का। दोस्तों इसका एक स्पेशल एडिशन आने वाला है 1988, और दोस्तों इसके सिर्फ और सिर्फ 394 यूनिट्स ही बनने वाले हैं, कहा जा रहा है ये इंडिया में भी आएंगे। दोस्तों काफी अच्छी बात है, देखते हैं कितने आएंगे। पर दोस्तों यहाँ पे बता दूं इसका प्राइस जो है स्टैंडर्ड वाले से थोड़ा ज्यादा होने वाला है। इसके अंदर सेम इंजन रहेगा 5.0 लीटर का सुपर चार्ज V8 इंजन, जो कि दोस्तों 8-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आता है, 550 HP की पावर प्रोड्यूस करेगा। चेंजेस होने वाले हैं, दिखने में चेंज हो जाएगा थोड़ा, उसका लुक्स वगैरह में चेंज होगा और अंदर इंटीरियर भी चेंज होने वाला है, बाकी देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे दोस्तों गाड़ी बहुत जबरदस्त होने वाली है, और दोस्तों ये भी अनाउंस हो चुका है जैगुआर की तरफ से कि ये 2025 तक अपनी सारी गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे, यानी कि 2025 आने वाले सिर्फ 2-3 सालों में हमें जैगुआर जो है पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई मिलेगी, सारी की सारी पेट्रोल डीजल गाड़ियां खत्म कर देंगे अपनी और पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे आ जाएंगे। दोस्तों काफी अच्छा स्टेप है, आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी के साथ में इसकी सारी की सारी इमेजेस यहाँ पर रिवील हो चुकी हैं, तो मैं यहाँ पे लगा भी रहा हूँ, तो बताइए जरूर कैसी लग रही है गाड़ी। और दोस्तों फाइनली आज Hyundai की नई वाली वेन्यू जो आने वाली है, इसका फेसलिफ्ट होने वाला है, वो रिवील हो चुकी है। आपको बता दूं 16 जून को ये लॉन्च होगी, जिसका प्राइस वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। इसकी बुकिंग आज से ओपन हो चुकी है, 21,000 रुपीज दे के आप इसे बुक करवा सकते हो। गाड़ी बहुत जबरदस्त आने वाली है, इनके अंदर 5 वेरिएंट आने वाले हैं, जिनके अंदर अलग अलग पावर ट्रेन इंजन और अलग अलग ऑटोमेटिक मैनुअल अलग अलग गियर बॉक्स वगैरह मिल जाएंगे। दोस्तों काफी जबरदस्त होने वाली गाड़ी, और कहा जा रहा है इस बार आपको अलग अलग इंजन मिलेंगे, ज्यादा चांसेस है आपको 1.0 लीटर का और 1.2 लीटर का, दो तरह के मेन इंजन मिलने वाले हैं, बाकी हो सकता है एक आधा और ज्वाइन कर दे इसे, पर ये दोनों के दोनों पेट्रोल होंगे, बाकी देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों डिस्काउंट चल रहे हैं टाटा की गाड़ियों पे, आप बता दूं टाटा की अपनी कार्स के ऊपर 60,000 रुपीज तक, अप टू 60,000 रुपीज तक डिस्काउंट वगैरह दे रहे हैं। यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ, टाटा की नेक्सॉन ईवी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, टाटा अल्ट्रोस इसमें इंक्लूडेड नहीं है, और साथ में टाटा नेक्सॉन CNG पावर्ड वो भी इंक्लूडेड नहीं है, टागो और टैगोर भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये 4-5 गाड़ियों को छोड़ के बाकी सभी गाड़ियों पे आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाएंगे, यानी कि टाटा की आप इन 5 गाड़ियों को छोड़ के बाकी किसी भी गाड़ी पे आप जाके लोगे तो आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाएंगे। और दोस्तों आज कावासाकी की तरफ से निंजा 400 और Z 400 रिवील हो चुके हैं। दोस्तों दोनों बाइक की इमेज मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, बताइए देखने में कैसी लग रही है। वैसे दोस्तों कावासाकी निंजा 400 तो इंडिया में कंफर्म हो चुका है आज ही कि वो आने वाला है बहुत जल्दी। दोस्तों काफी जबरदस्त बाइक होने वाली है, आपको क्या लगता है दोस्तों इसका क्या प्राइस आएगा कमेंट्स में जरूर बताइए। और दोस्तों यामाहा की तरफ से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकल के आई है, आपको बता दूं यहीं पे यामाहा R7 दोस्तों ये बाइक इनको लॉन्च होने वाली है, कंफर्म हो चुकी है। एक MT07 भी कंफर्म हो चुकी है आज। ये दोनों के दोनों बाइक दोस्तों 700cc के इंजन के साथ में आने वाली हैं। दोस्तों देखते हैं 2022 के अंदर ये कभी भी लॉन्च हो सकती हैं, जबरदस्त बाइक्स है और इनकी पावर बहुत अच्छी मिलेगी आपको। अब दोस्तों यहां पर एक और डाउट चल रहा था कि एक टेनर 700 आती है, वो बाइक इंडिया में आएगी या नहीं आएगी, तो दोस्तों उसकी पॉसिबिलिटी अभी आने वाले फ्यूचर नियर फ्यूचर में नहीं लग रही है, क्योंकि वो बाइक बनती है फ्रांस में और फ्रांस में अभी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, और जो R7 या MT07 है ये जापान में प्रोड्यूस होती है, ये वहां से आ सकती है लेकिन वो नहीं आ सकती,
इसी के साथ में एक और बाइक की पॉसिबिलिटी लग रही है और वो है MT09, वो भी आ सकते हैं दोस्तों, वो इस दोनों से बड़ी है, बाकी देखते हैं क्या निकल के आता है। वैसे काफी जोरदार लॉन्चिंग होने वाली है यमा की तरफ से, दोस्तों यमा की तरफ से ना थोड़ा पीछे कम चल रहा था कम, लेकिन अब बढ़ने वाला है तो आपको मजेदार बाइक देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आज की टेक और ऑटो दोनों अपडेट यहीं पे करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।